अब बहुत से लोग करते हैं कि हम लोग पिंड प्रदान क्यों करते हैं। पिंड प्रदान करने का जो मेन उद्देश्य ये है कि आप अपने पितरों को स्वर्ग लोक में जाने के लिए उनके रास्ते में उनकी भोजन प्रोवाइड की आप व्यवस्था कर रहे हैं। जो पिंड आप गंगा जी में डालते हैं वो उनको भोजन के रूप में प्राप्त होता है, उससे उनको जो है चलने की शक्ति मिलती है। अभी ये देखिए, बहुत से लोग प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे तो नहीं मानेंगे, लेकिन मानने में ये है कि यहाँ का जो टाइम है वो जो है आपके वैतरणी नदी के टाइम से मैच नहीं करेगा कभी भी, है ना। वो नहीं मैच करेगा क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी आप मान सकते हैं या ये मान सकते हैं कि वास्तव में है जो हम लोग के समझ के परे है। तो उस कंडीशन में ये माना जाता है कि जब भी आप पिंडदान करते हैं तो उस पिंड से आपके जो पितर हैं उनको तृप्ति होती है, उनके क्षुधा जो होती है, जो उनको भूख लगती है, जो भी उनको तकलीफ होती है उसके लिए उनको तृप्ति की प्राप्ति होती है। अच्छा, पिंड जो आप करते हैं वो डालने के बाद गंगा जी में क्यों डाल रहे हैं? जैसे अस्थि के बारे में कहा गया कि डायरेक्ट गंगा जी चूंकि स्वर्गलोक से आई हैं तो उनका जो है अस्थि विसर्जन करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वही नियम पिंडदान में भी होता है। तो इस वजह से अगर गंगा में तट पर बैठ करके पिंडदान किया जाए और उनको जो है गंगा में विसर्जन किया जाए तो डायरेक्ट उनको अपने पितरों को तृप्ति होती है, ऐसा माना गया है। ये बहुत सारे लोगों में मिथ ये भी है कि एक बार हम लोग जाके कहीं गया में कर दिए या फिर बद्री केदार में कर दिए तो उसके बाद जो है इस पिंडदान को कहीं और करने की आवश्यकता नहीं है, हम छूट गए। ये एक गलत धारणा है। जब तक आप में शक्ति है और जब तक आप भोजन कर रहे हैं अपने हाथ से, तब तक अपने पितरों को पिंडदान करना चाहिए। आप हर साल, एक साल के अंतर में अंदर का अगर है तो आपको हर महीने करना चाहिए। अगर आपके घर में ये प्रांत आचार भी बहुत जगह होता है, कहीं कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, जातिगत आधार पे भी है, तो उस हिसाब से कम साल में 2 बार, एक पितृपक्ष के समय जो नवरात्रि के पहले का अमावस्या तक का समय होता है 15 दिन का पितृपक्ष का, उसमें अपने सभी पितरों को एक साथ मिला करके, जिसमें पिताजी हो चाहे दादाजी हो परदादाजी हो चाचा हो, सारे आपके कुल से डायरेक्ट रिलेशन वाले जितने सबके नाम पर एक तीर्थ श्राद्ध, और जिस दिन तिथि पड़ रही है चाहे माताजी हो चाहे पिताजी हो जो या कोई बड़े हो जिनके लिए आप कर रहे हो, उस तिथि वाले दिन कम से कम 2 दिन आपको पिंड प्रदान करना चाहिए। हमारे पुराणों के हिसाब से ये भी मान्यता है कि विष्णु जो है वो तारणहार है, तो विष्णु जी के पाद के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो गया में विष्णु पाद है, ठीक है, काशी में विष्णु जी का उदर माना गया है पेट। तो ऐसा नहीं है कि पाद में करने के बाद उदर पे आपको नहीं करना, और ब्रह्म कपाल माना गया है बद्री केदार में। तो आप जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की अलग एक वैल्यू होती है। अब जैसे हम लोग से पूछा जाए तो हम लोग ज्यादातर काशी में, तो हम लोग काशी खंड के हिसाब से बता सकते हैं। हो सकता है बद्री केदार जाएंगे तो वह बद्री के केदार खंड के हिसाब से उनके पुराण के हिसाब से वो बताएं कि वहां, तो क्षेत्र की वैल्यू है। अगर कोई ब्राह्मण भी हम लोग भी कहीं जाएंगे, अगर हम रामेश्वरम जाएंगे तो वहां पे भी ये रिचुअल करेंगे, और अगर हम हरिद्वार जाएंगे तो वहां पे भी ये रिचुअल करेंगे, अयोध्या जाएंगे तो सरयू नदी के किनारे भी करेंगे। तो हर क्षेत्र में, जिस भी पुण्य क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र का, आपके भारत में इतनी जगह है जिसका लाभ आपको उठाना चाहिए अगर आप जा रहे हैं अपने पितरों को याद करने के लिए। इसी बहाने उनको याद तो करेंगे कम से कम।